के शिविर में तुम्हारा भव्य स्वागत है। करण, आपका ये मुझसे महारानी कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम महाराजा पांडु की महारानी हो, महारानी कुंती हो। महारानी कुंती, मैं तो तुम्हारा भव्य स्वागत करता हूं। तुम पांडु की महारानी हो, रानी हो, ये करण तो तुम्हारा भव्य स्वागत करता है। ये करण, आज ये महारानी कुंती तुम्हें एक भेद बताने वाली है कि जिसे तुम बार बार महारानी कुंती कह रहे हो, हाँ, वो महारानी होने के साथ साथ तुम्हारी सगी माँ भी है। महारानी होने के साथ साथ मेरी माता हो? हाँ। कौन कहता है कि तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा हूँ? मैं कहती हूँ करण, क्योंकि तुम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो, तुम्हें सच्चाई का नहीं पता। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनो। सुनाओ। सत्यदानी लेकिन करण, हाँ, माता कह के बोल लाडले खटके तेरी वाणी हो। माता कह के बोल लाडले खटके तेरी वाणी। अरे हाथ जोड़े परनाम करे, हाथ जोड़े परनाम करे, ये राधा सत्यदानी नहीं कहेगा। लेकिन क्यों? यूं, क्योंकि मेरी तो माँ भी कोई और है, मेरे पिता कोई और है। आज से पहले मैंने तुम्हारे मुख से इस तरह का शब्द नहीं सुना कि बेटा करण, कि मैं तुम्हारी माँ हूं और तू मेरा बेटा। करण, यही सच्चाई है। अच्छा, हाँ। अरे मैं मामूली सूत पुत्र, मैं मामूली सूत पुत्र, कैसे कह दूं माता। सूत पुत्र ना सूरज सु तुम्हारा मां बेटे का नाता। सूत पुत्र ना सूरज सु तुम्हारा मां बेटे का नाता। अरे क्यों हमदर्दी दिखा रही तू, तो क्यों हमदर्दी दिखा रही, यो भेद समझ ना आता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा, माता के बोले लाडले खटके तेरी वाणी हो। माता के बोले लाडले ओ खटके
तेरी माँ हूँ। हाँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अच्छा, मेरे पिता कौन है और मेरी माता कौन है? हाँ। ये तो मैं खुले शब्दों में बता दूं कि मुझे किस नाम से पुकारा जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तुझे पुकारा चाहे किसी भी नाम से जाए। हाँ। लेकिन आज ये महारानी कुंती तुझे ये भी बता के जाएगी कि तू किस तरीके से मेरा बेटा है, कौन तेरे पिता हैं और कैसे मैंने तुझे जन्म दिया और क्यों अपने आप से दूर रखा, सारी बातें बताऊंगी। क्या अपनी बात सुन ले मेरी बात। खिलाया राधा ना तू कुंती सुत मने पेट फाड़ के जाया, राधा ना तू कुंती सुत मने पेट फाड़ के जाया। हर तेरी छाती फटी नहीं तक, तेरी छाती फटी नहीं तन क्यों कर मैं ठुकराया। क्वारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया, क्वारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। अरे तेरे जैसी आज तलक ना, राधा का बेटा नहीं? नहीं करण, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ करण, तुमने मुझे नौ मास गर्भ में रखा। हाँ। और पैदा किया, इसलिए मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ करण, लेकिन तुझ जैसी बेटे खानी पापन हत्यारी माँ मैंने आज तक ना देखी ना सुनी ना कहीं मुझे मिली। तू तो एक माँ नहीं, तू तो एक बेटे खानी हत्यारी पापन माँ है। लेकिन ये तुम क्यों कह रहे हो करण? ये मैं यूं कह रहा हूं कि 9 महीने तक रखा कर मैं तने पाया कष्ट भतेरा री, कि 9 महीने तक रखा कर मैं तने पाया कष्ट भतेरा री, तने अपने जीवन में करया उजाला मेरे जीवन में करया अंधेरा री, और तेरे लेके उस दिन मर गया जब था गंगा में गिरया री, जब था गंगा में गिरया री। लेकिन करण कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था और वशीकरण मंत्र सेवा कर मैंने दुर्वासा से पाया था। अच्छा। मैंने उस मंत्र पे विश्वास करया ना वो सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण मैंने न्यू क्वारी ने जाया था। जब मैंने तुझे जन्म दिया था उस समय मेरी अवस्था क्वारी की थी, मैंने लोक लाज के भय से, दुनिया की शर्म की भय से तुझे गंगा के बीच में पैदा करके बहा दिया करण, बस मेरा यही कसूर है। उस समय लोकलाज से दुनिया के तानों से डर करके तूने मुझे नौ मास गर्भ में रख करके पैदा कर संदूक में बंद कर गंगा नदी में बहा दिया। हाँ। लेकिन आज तुझे ये शर्म नहीं आई कि करण को जाकर के मैं ये बताऊं कि करण मैंने तुझे कवारेपन में जन्म दिया। करण मैंने जिस तरीके से तुझे जन्म दिया वो सारी बात मैंने तुझे बता दी है, अगर तुझे फिर भी गलत लगता मुझे ऐसा महसूस होता है कि तू किसी स्वरूप के वशीभूत
और किसी मतलब कारण मेरे पास आ जाई है। करण ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुझसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर तू युद्ध ही करना चाहता है तो पांचों पांडव तो तेरे भाई हैं, उनसे युद्ध ना कर। करण अगर युद्ध करना है तो अपने भाइयों के साथ लड़, ना कि भाइयों के विपरीत जा। क्या बात है, समझ गया तेरे स्वरत को, समझ गया तेरी चाल को, समझ गया तेरे मतलब को। कि सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी पे, क्या बन गई तू मतलब खान, मतलब का तर पेटे खानी, आज करण की माँ बन गई, आज करण की माँ बन गई। सुन मेरी बात, कहिए करण। तू मतलब खतर इस रिश्ते में, इस रिश्ते में याद दिलावन आई, अपने दिल के टुकड़े ने में आज मनावन आई हो, अपने दिल के टुकड़े ने में आज मनावन आई। हर मेरे दिल पे छुरा मार, मेरे दिल पे छुरा मार, तू तो नमक लगावन आई। पांचों पांडव तेरे भाई है, मैं न्यू समझावन आई हो, पांचों पांडव तेरे भाई है, मैं न्यू समझावन आई। अरे मांग लिए क्या चाहिए तनेरी, मांग लिए क्या चाहिए तने, आज खोल बता परेशानी। अरे माता कह के बोल लाडले, फट गया तेरी वाणी, एक बात का भेद और बता दे। हाँ पूछे करण। अगर तू मेरी माँ है और मैंने तेरी कोख से जन्म लिया, था जब द्रौपदी का स्वयंवर रचाया गया, बड़े बड़े शूरवीर बड़े बड़े योद्धा स्वयंवर में बुलाए गए, जब कोई भी योद्धा उस मीन बीधने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मैं मीन बीधने के लिए तैयार होकर के आगे आया। पंचाली द्रौपदी ने भरे दरबार में मुझे धमकाया और मुझसे एक सवाल किया कि ये सूत पुत्र, अगर तू मीन बींधना चाहता है तो पहले अपने मीन बींधने से पहले अपने मार बाप का नाम बता दे। अगर तू मेरी माँ ही तो उस दिन आगे क्यों नहीं आई कि हाँ करण मेरा बेटा है, करण की मैं माँ हूं। लेकिन करण, वहां मेरे बड़े लोग भी बैठे हुए थे, मेरे जेठ ससुरे भी बैठे हुए थे, मैं उन सब के सामने ये कैसे कह पाती कि तुझे मैंने जन्म दिया, वो भी कुआरी ने। मुझे बहुत शर्म आई, लज्जा के कारण ये सब बातें मैं वहां नहीं कह पाई करण। लेकिन जाओ, तुम सूर्य निकलने से पहले, सूर्य आराधना से पहले मेरे पास आई हो, जो मांगने के लिए आई हो दानवीर करण के शिविर से, तुम्हें वही मिलेगा, जो कहोगी वही मिलेगा। सुनो मेरी बात। हे करण, अगर देना ही चाहते हो, और मैंने सुना है कि जो भी तुम्हारे द्वार पे आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। तो ये तुम्हारी माँ कुंती आज आपसे ये मांगने आई है कि तुम्हारे पास पांच बाण हैं, जिनमें तुम्हारे पांचों भाइयों की जान है, पांचों पांडवों की जान है, वो पांचों बाण मुझे दे दे करण। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे श्रोताओं की, जोरदार। तुम्हारी इस बात का दान मांगने के लिए आई हो, जो मेरे पास पांच शक्ति है वो तुम्हें तुम्हारी झोली में तुम्हें दान में दे दूं। जी, लेकिन और भी मेरी बात सुनो। कहिए। ये तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन
एक चीज नहीं दे सकता मैं तुम्हें। क्या? मने आज तलक अपने दर पे, मने आज तलक अपने दर पे कोई खाली ना लौटाया। भीख घाल दे, भीख घाल दे झोली में, मन में पल्ला फैलाया। भीख घाल दे झोली में, मन में पल्ला फैलाया। तुम्हारी जोड़ी में जो तुम और भी मांगोगी तो वह सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक काम ये करण नहीं करेगा। क्या करण? दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाया। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाया। और कला में उठा हरे राम पैसे ले, कला में उठा हरे राम पैसे ले, कला में उठा हरे राम पैसे ले, कला में उठा हरे राम पैसे ले। लिख दे धर्म कहानी दानी।